عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاي نفجر نماذج كثيرة في السكة. तो अगर आप बस लेंगे उस वाले होटल में जिसमें मैं रुका हूँ वहाँ तो बदर छोड़ेगा, वरना मुझे यूजली टैक्सी मिल जाती है 15-15 रियाल की वहाँ से लेके हरम तक, और वो टैक्सी लेती भी छोटा रूट है, बस वाला शायद बस अलाउड नहीं होगा इसलिए वो लंबे रूट से आए हैं और पीछे की तरफ छोड़ा है। ये देखिए अभी फजर की अजान हुई भी नहीं है, अभी भी देखें कितने लोग माशाल्लाह इधर हैं, माशाल्लाह। ये मकाम इब्राहिम है, देख सकते हैं दरवाजे पर लोग हाथ लगा रहे हैं। हजरत अस्वद को आप देख सकते हैं अभी कितना रश हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ये फजर की अजान होने वाली है। أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله فجر کی نماز ہو چکی ہے، دیکھ سکتے ہیں پھر رش ہو گئے اور لوگ بس عمرہ اور طواف میں لگ گئے. अभी वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ लेकिन इस बार टैक्सी से जाऊँगा। देखें कितने रश है अभी माशाल्लाह। होटल पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे बिल्कुल कबूतर को लोग खाना खिला रहे हैं इस होटल के नीचे ही। ये सामने आप नज़ारा है अलबेक है। अभी हम जा रहे हैं नाश्ते की तरफ। ये है तमीज़ शक्शुका और गुलाबा और फूल। अब जो नाश्ता हो गया, आपको आइए थोड़ा होटल का दिखाते हैं अंदर से। कमरा तो मैं आपको दिखा चुका था पहली वीडियो में। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। ये है होटल, यहाँ पर बस खड़ी रहती है। ये अंदर का एंट्रेंस लॉबी है, आपको ऊपर भी लेके चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुबह बंद था जिम और स्विमिंग पूल, तो अभी आया हूँ जोहर के बाद, देख सकते हैं आप। देखिए बिल्कुल रूफ टॉप पे है, सामने आपके ये ताजिज भी बना हुआ है, सऊदी अरब का अच्छा रेस्टोरेंट है पुराना। ये आप देख सकते हैं अलबेक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही है। बाकी भी मकाम इधर आपको नज़र आएंगे रेस्टोरेंट्स के। ये देखिए स्विमिंग पूल है, मैं ज़्यादा बना नहीं है क्योंकि फैमिलीज हैं तो अच्छा नहीं लगता। अभी हम आ गए आगे खाना खाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं असर की नमाज पढ़ते। वो ये ताखीर हो गई है, होटल की जो बस थी वो निकल गई थी, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं असर की नमाज पढ़ते।
الحمدللہ عصر کی نماز پڑھ لی. سوچ رہا ہوں کہ میں ساری نمازیں پڑھ کے جاؤں کیونکہ ٹائم کا گیپ بہت کم ہے باقی نمازوں میں. یہ ابراج البیت ٹاورز ہیں, یہ دنیا کی تیسری بڑی بلڈنگ ہے آفٹر برج خلیفہ اور جو چائنا میں جو ہے. الحمد للہ بغیر پرمٹ کے لیکن
आप देख सकते हैं कि ये लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो कभी ये लोग करते हैं कभी नहीं करते, ये देखिए। प्रिपेयर करके आएगा जब भी मुंबई करने के लिए आया। अभी इस वक्त होटल के करीब हम पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं हम खाना खाने। ये सामने होटल है, ये सामने अलबेक है। तो इसलिए आज हम दूसरा ट्राई करते हैं, कब्सा हर्शी लिखा है कैमल का और मताम हाफिज, तो हम दोनों में से एक देखते हैं कौन सा अच्छा रहेगा। आखिर में मताम हाफिज ही आ गए थे। ये फार्म द जाज मैंने मंगाए और ये आप देख सकते हैं कबाब और चावल, कुछ बुखारी और रोटी और पानी, ये तकरीबन 41 के पड़े। और आप देख सकते हैं कि इधर दुआ भी लिखा हुआ है, قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أكل طعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول إني ولقوا غفر له ما تقدم من ذنبي، مطلب اللہ کا شکر ہے کہ جو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے اس کے بغیر مل بھی نہیں سکتا تھا، اللہ کا اس میں شکر ادا کر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دعا ہمیشہ پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد۔ انشاءاللہ ہم کھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے پھر بعد میں ملتے ہیں۔ الحمدللہ کھانا کھا چکے ہیں، ایز یوزولی پھر سے بچ گیا، اب ہم کل دوپہر میں انشاءاللہ کھائیں گے، کل یوم الجمعہ بھی ہے تو انشاءاللہ مکہ المکرمہ مسجد حرم میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اگلی بلاگ میں پھر انشاءاللہ آپ کو باقی چیزیں دکھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔